हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट सभी बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं इस क्लोज टेस्ट को। देखिए, ये एक क्लोज टेस्ट है और यहाँ पर मैं आपको दो क्लोज टेस्ट सॉल्व करवाऊँगा। एक क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चन हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। इस क्लोज टेस्ट में आपको 5 क्वेश्चन हैं यहाँ पर और ये फिलर्स दिए हुए हैं। ये क्लोज टेस्ट और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का मिक्स करके, उसको कंबाइन करके एक अलग से पैटर्न बनाया गया है। और इस तरह के पैटर्न पे भी इस समय बैंकिंग में और एसएससी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन हैं और एक ये दूसरा क्लोज टेस्ट है, इसमें 6 क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से ये टोटल 11 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्लोज टेस्ट को हम लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए किस बारे में बात हो रही है। एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन सेलिब्रेटेड एज द प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया। देखिए, इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं और टर्सरी सेक्टर में उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो यहाँ से यदि हम पढ़ें तो एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन सेलिब्रेटेड एज द प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया, मतलब एग्रीकल्चर को इंडिया में हमेशा एक प्राइमरी सेक्टर की तरह सेलिब्रेट किया गया है। सेलिब्रेट किया गया है, सेलिब्रेट का मतलब ये है कि उसको एक अच्छी चीज़ मानी गई है। तो सेलिब्रेट से पता पड़ रहा है कि ये जो क्लोज टेस्ट का जो टोन है, क्लोज टेस्ट का जो अप्रोच है, वो पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव टोन है, क्योंकि सेलिब्रेटेड एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, थैंक्स टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक पॉजिटिव वर्ड आया है, थैंक्स। तो इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा टोन जो है क्लोज टेस्ट का, ये पॉजिटिव है और इसमें ऑप्टिमिज्म की बात की गई है, एक पॉजिटिव वे में इसमें बात की गई है इंडिया में जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में। थैंक्स टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? हरित क्रांति जिसको हम बोलते हैं, जिसमें गेहूँ की जो खेती है उसमें एक बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में उछाल जो आया था और प्रोडक्शन जो मैनीफोल्ड जो बढ़ गया था उसको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन दूध का होता है, इस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन हम इसको बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि गेहूं की जो बाली होती है वो ग्रीन कलर की होती है, दैट इज़ वाई वी कॉल इट ग्रीन रेवोल्यूशन। तो थैंक्स टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। और यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि चूँकि एग्रीकल्चर को एक प्राइमरी सेक्टर माना गया है और उसको एक अच्छा सेक्टर सेलिब्रेट किया गया है, और इसका जो इसका इसको हम यदि एट्रीब्यूट करना चाहें तो हम ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इसको जिम्मेदार मान सकते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर एक अच्छा सेक्टर है। इंडिया इज़ नाउ, अब यहाँ पर हमने उस चीज़ की तारीफ की है और यहाँ पर उस चीज़ को एक्सटेंड करते हुए हमने बोला है कि इंडिया इज़ नाउ। तो यहाँ पर आपका क्या, अब यहाँ पर देखिए वर्ड क्या है, प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमें क्या वर्ड चाहिए? यदि आप कॉमन सेंस अप्लाई करें तो यहाँ पर आपको एक ऐसा वर्ड चाहिए जिससे ये पता पड़ता है कि इंडिया इज नाउ, मतलब इंडिया अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, सबसे पहले आपको जो फिलर होता है वहाँ पर उसकी, उस पर्टिकुलर वर्ड की एक पिक्चर इमेज, एक पिक्चर क्रिएट करनी है अपने माइंड में कि किस तरीके का वर्ड वहाँ पर आ सकता है, पैराग्राफ क्या बोल रहा है, पैराग्राफ का टोन क्या है। तो यहाँ पर यदि आपको, आपके पास ऑप्शन नहीं हो तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एक ऐसा वर्ड चाहिए जो ये बताए कि इंडिया अब सेल्फ डिपेंड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर नाउ वर्ड भी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो वर्ड चाहिए वो ऐसा चाहिए जो कि सेल्फ डिपेंड को कन्वे करे। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन दे, परफेक्ट अबाउट तो आएगा नहीं क्योंकि परफेक्ट अबाउट का तो कोई सेंस ही नहीं है। इंडिया इज़ नाउ परफेक्ट अबाउट प्रोडक्शन, तो कोई सेंस ही नहीं है। इंडिया इज़ रिलाइड टू फूड, रिलाय के बाद टू नहीं आता, जो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इंडिया इज़ सेल्फ सफिशियंट इन फूड, अब देखिए प्रोडक्शन जो वर्ड है उसके साथ फूड वर्ड जुड़ जाएगा, फूड प्रोडक्शन। ठीक है, और सेल्फ सफिशियंट का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट, और सेल्फ सफिशियंट के बाद इन प्रपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए आपका सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकली भी सही है और कॉन्टेक्स्टुअली भी सही है। सेल्फ सफिशियंट के बाद हमने इन लगा दिया और सेल्फ सफिशियंट का अर्थ होता है सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट। तो इसलिए यहां पर आपका क्या आंसर होगा? यहां पर आपका आंसर होगा सी, यानी सेल्फ सफिशियंट इन फूड प्रोडक्शन, मतलब इंडिया को अब जो अनाज है उसको बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, इंडिया खुद ही इतना सेल्फ रिलायंट हो गया है, इंडिया खुद ही इतना सेल्फ सफिशियंट हो गया है कि उसकी जो जनसंख्या है वो उसका पेट भर सकता है।
सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है, उसको अनाज को इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और सेल्फ सफिशिएंट वर्ड के बाद हम इन प्रपोजिशन का भी प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ बीन एज वेल। अब यहाँ पर एक वर्ड देखिए, एज वेल का मतलब होता है भी, मतलब ये भी है और ये भी है। एज वेल का मतलब होता है कि इसके अलावा ये भी इंडिया कर रहा है। तो यहाँ पर हम जो वर्ड बोलेंगे वो कैसा वर्ड बोलेंगे? यहाँ पर हम निश्चित रूप से एक पॉजिटिव वर्ड बोलेंगे, क्योंकि पूरा पैराग्राफ पॉजिटिव टोन में चल रहा है। इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ बीन, अब हैज़ बीन के साथ यहाँ पर आपको एक ING फॉर्म चाहिए और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक वर्ड चाहिए। तो इसमें हम सेकेंड में देखते हैं। अब देखिए, इसमें ये वाला वर्ड आ सकता है, इंडिया हैज़ बीन मेकिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एज वेल। मतलब इंडिया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी करता रहा है एग्रीकल्चर फील्ड में। ठीक है, तो मेकिंग एडवांसमेंट, देखिए मेक के साथ एडवांस वर्ड जाता है, जैसे हम बोलते हैं मेक प्रोग्रेस। ठीक है, तो मेक के साथ मेक एडवांसमेंट भी हम बोलते हैं, मेक प्रोग्रेस भी बोलते हैं। आर यू मेकिंग एनी प्रोग्रेस? ठीक है, आर यू मेकिंग एनी एडवांसमेंट? तो किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड जाता है ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब यहां पर ING फॉर्म चाहिए आपको, चूंकि यहां पर हैज़ बीन है तो इसलिए ING फॉर्म चाहिए। तो ING के हिसाब से मेकिंग भी इसमें सही है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी सही है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा बी, सेकेंड में आपका जो आंसर होगा बी। ठीक है, मेकिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एज वेल। डज दैट मीन एवरीथिंग इज लुकिंग ब्राइट फॉर इंडियन एग्रीकल्चर? कैसे ये पता लगता है कि हर चीज़ इंडियन एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ब्राइट है? यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके बाद पैराग्राफ बोलता है कि अ सुपरफिशियल एनालिसिस ऑफ द अबव पॉइंट्स वुड टेम्प्ट वन टू से यस। मतलब यदि ये इन पॉइंट्स को हम देखें ऊपर कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है और इंडिया सेल्फ रिलायंट हो चुका है, यदि हम इस पॉइंट्स को देखें तो इसका मतलब ये निकलेगा कि अबव पॉइंट्स वुड टेम्प्ट वन टू से यस। एक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति यदि विचार करे इन पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए, तो वो यस कहने के लिए मजबूर हो जाएगा। टेम्प्ट का मतलब है किसी व्यक्ति को आकर्षित करना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स एक व्यक्ति को यस कहने के लिए कंपेल कर देंगे कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो सही है। अब यहाँ पर एक वर्ड लगा है बट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ से स्टोरी में एक ट्विस्ट क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो वर्ड चाहिए, मतलब इस आगे के पैराग्राफ में जो बोला जाएगा उसमें रियलिटी बताई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट किया जाएगा, एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा बट वर्ड के थ्रू। बट द स्टडी इज डिफरेंट, यहाँ पर एक्चुअली क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए बट द रियलिटी इज डिफरेंट। मतलब यहाँ पर एक ऐसा फ्रेज चाहिए जो ये कन्वे करे कि रियलिटी जो है वो डिफरेंट है। तो तीन में हम क्या बोलेंगे? अब तीन में देखिए, तीन में रियलिटी सजेस्ट द सेम, रियलिटी सजेस्ट द सेम यदि आप बोलेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रियलिटी भी यही बताती है। अगर रियलिटी यही बताती है तो फिर बट क्यों लगाए यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर हम रियलिटी, यहाँ पर हम जो सेंटेंस में बोला जा रहा है उसके अगेंस्ट कुछ बोलेंगे। डिमांड इज सेम, ये गलत है। वैसे भी सेम के पहले द लगता है तो द लगा नहीं है, तो ये वैसे भी गलत हो गया। रियलिटी इज ब्राइट, बट रियलिटी इज ब्राइट ऐसे हम नहीं बोल सकते। ठीक है, बट रियलिटी इज डिफरेंट ऐसे बोल सकते हैं, बट रियलिटी इज ब्राइट नहीं बोल सकते। ट्रुथ इज फार फ्रॉम इट, देखिए ये हम बोल सकते हैं, बट द ट्रुथ इज फार फ्रॉम इट, लेकिन जो सच्चाई है वो इस चीज़ से पूरी तरीके से अलग है। इसलिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आएगा वो निश्चित रूप से आपका डी ऑप्शन यहाँ पर आएगा। बट द ट्रुथ इज फार फ्रॉम इट, द रियलिटी इज, देखिए यहाँ पर भी आगे रियलिटी बताई गई है। द रियलिटी इज दैट इंडियन फार्मर्स हैव टू फेस एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। सच्चाई ये है कि भारत के जो किसान लोग हैं उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी, नितांत गरीबी और फाइनेंशियल क्राइसिस, और पैसे की जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ती हैं। विच इज, और इसकी वजह से क्या होता है? ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से क्या होता है ये आपको यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको बताना है। विच इज, अब यहाँ पर आपको एक ING फॉर्म का वर्ड चाहिए, विच इज सुसाइड्स।
ठीक है, तो यहां पर आपको क्या बोलना है, यहां पर आपको बोलना है कि विच इज मेकिंग देम कमिट सुसाइड, इस तरीके का एक वर्ड चाहिए। तो ऑप्शन में हम देखते हैं फोर ऑप्शन में क्या है, फोर ऑप्शन में आपका आएगा विच इज ड्राइविंग देम टू, विच इज ब्रिंगिंग देम टू, विच इज आई एन जी फॉर्म का वर्ड चाहिए, अट्रैक्टिंग देम नहीं आएगा क्योंकि सुसाइड के लिए कोई चीज सुसाइड के लिए सुसाइड अट्रैक्ट नहीं करती है, इसलिए अट्रैक्टिक वर्ड सही नहीं होगा। आई एन जी फॉर्म चाहिए तो इसलिए ड्राइव गलत हो जाएगा, ठीक है। ब्रिंगिंग भी वर्ड नहीं आएगा क्योंकि ब्रिंगिंग का मतलब होता है ले जाना, लेकिन यहां पर हम बोलना चाहते हैं कि ये चीज जो है फाइनेंशियल क्राइसिस और एक्सट्रीम पॉवर्टी जो ये किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करती है या उस तरफ खींचती है, तो उसके लिए जो सूटेबल वर्ड होगा वो होगा ड्राइविंग देम टू। तो यहां पर आपका आंसर होगा ए, ड्राइविंग देम टू सुसाइड्स। व्हाट आर द ग्रेव एडवर्सिटीज दैट ड्राइव द फार्मर्स टू कमिट सुसाइड, ऐसी कौन सी विपरीत परिस्थितियां हैं जो कि फार्मर्स को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती हैं, एट ए टाइम व्हेन द इंडियन इकोनॉमी इज। अब यहां पर फिर से आपको एक ऐसा फ्रेज चाहिए जो ये बताए कि इंडियन इकोनॉमी में सुधार हो रहा है, एट ए टाइम व्हेन द इंडियन इकोनॉमी इज, चूंकि पॉजिटिव टोन में पूरा सेंटेंस है इसलिए यहां पर हम बोलेंगे, यहां पर हम बोलेंगे सपोज टू बी गियरिंग अप, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो तैयार हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे सपोज टू बी गियरिंग अप टू टेक ऑन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सामना करने के लिए, पूरे संसार का सामना करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी में एक ऐसा टाइम है कि वो पूरे संसार का सामना करने के लिए गियर अप हो रहा है, तैयार हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो इस तरीके से एक क्लोज टेस्ट को आपको लॉजिकली फिल करना है, ग्रामर का आपको ध्यान रखना है, प्रपोजिशंस का आपको ध्यान रखना है, वर्ड कॉम्बिनेशंस का आपको ध्यान रखना है, और किस टेंस में बात हो रही है उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से क्लोज टेस्ट को आपको करना होता है। नेक्स्ट हम कुछ पार्ट और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इसमें इसको समझाया जा रहा है। इंडियन एग्रीकल्चर इज नेचर, अब यहाँ पर देखिए नेचर लगा हुआ है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून पर डिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो इरिगेशन मिलता है वो प्रॉपर नहीं होता है और टाइमली नहीं होता है, और वैसे भी इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो ये बताए कि इंडिया का एग्रीकल्चर जो है वो नेचर पर डिपेंडेंट है। तो सिक्स में हम क्या बोलेंगे, सिक्स में हम बोल सकते हैं डिपेंडेंट, यहाँ पर एक वर्ड चाहिए आपको, इंडियन एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन नेचर, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन नेचर किस में है, वो केबल और केबल डी में है, प्रीडोमिनेंटली मतलब मेन रूप से, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट ऑन नेचर, प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट ऑन नेचर, यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, सिक्स में, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटी दैट आर करेंटली अवेलेबल डू नॉट कवर द इंटायर कल्टीवेबल लैंड, मतलब जो इरिगेशन जो फैसिलिटी हैं जो सरकार की तरफ से अवेलेबल हैं वो पूरा जो कल्टीवेबल लैंड है, ठीक है, उसको वो कवर नहीं करती हैं, वो फैसिलिटी सफिशिएंट नहीं है, इसलिए इंडिया के किसान जो हैं वो मॉनसून पर डिपेंडेंट रहते हैं। इफ़ द फार्मर्स आर एट द फॉर टाइमली वाटर फॉर देयर क्रॉप्स, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, यहाँ पर आप बोलोगे, यहाँ पर देखिए एक फ्रेज होता है, तभी आपको बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए, क्योंकि ये फ्रेज जो होते हैं, एडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, ये आपको रीडिंग से मिलते हैं। इफ़ द फार्मर्स आर एट द, देखिए एक फ्रेज होता है एट द मर्सी ऑफ, किसी की दया पर निर्भर होना, तो उसको हम बोलते हैं एट द मर्सी ऑफ, और वही यहाँ पर आपको एक वर्ड चाहिए, मर्सी वर्ड इसमें दिया है, हाँ दिया है, बी में दिया है। इफ़ द फार्मर्स आर एट द मर्सी ऑफ मॉनसूनस, यदि वो मॉनसूनस की दया पर निर्भर रहते हैं फॉर टाइमली वाटर फॉर देयर क्रॉप्स, दे आर एट द मर्सी, देखिए मर्सी वर्ड यहां पर भी आया है, दे आर एट द मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर ऑल्टरनेटिंग इरीगेशन फैसिलिटी। ऑल्टरनेटिंग का वर्ड क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है एक को छोड़ के दूसरा, जैसे ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, या एक को छोड़ के दूसरा, एवरी अदर डे भी बोलते हैं इसको। तो यहां पर एट में जो आंसर आएगा आपका वो होगा ऑल्टरनेटिव इरीगेशन फैसिलिटी, मतलब ऑप्शनल इरीगेशन फैसिलिटी। यदि उनको टाइमली मानसून नहीं मिलता, यदि इरिगेशन फैसिलिटी उनको नहीं मिलती, तो उनको ऑल्टरनेटिव इरिगेशन फैसिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये सही है,
ये चीज़ बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल्टरनेटिव इरीगेशन फैसिलिटी। एनी फेलियर ऑफ नेचर डायरेक्टली अफेक्ट द, यदि नेचर का फेलियर है, यदि मानसून टाइम पे नहीं आया तो उससे क्या चीज़ अफेक्ट होगी, उससे किसानों का जो फसल है वो अफेक्ट होगी, और किसानों की जो फसल है वो उनके लिए क्या है, वो उनके लिए फॉर्चून है। तो यहां पर आपका आंसर होगा बी में, फॉर्चून्स। ठीक है, एनी फेलियर ऑफ नेचर डायरेक्टली अफेक्ट द फॉर्चून्स फॉर्चून्स ऑफ फार्मर्स। सेकेंडली, द इंडियन एग्रीकल्चर इज लार्जली एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, देर इज़ नो मतलब यहाँ पर एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें ये बताया जाए कि एग्रीकल्चर सेक्टर की कमी बताई जाए। तो टेंथ में क्या आ सकता है, देर इज़ नो सिस्टमेटिक प्लानिंग इन कल्टिवेशन, डी इसमें सही रहेगा आपका, सिस्टमेटिक प्लानिंग इन कल्टिवेशन। फार्मर्स वर्क ऑन लैंड्स ऑफ अन इकोनॉमिकल साइजेस, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिस आर नॉट अवेलेबल। यहाँ पर ये कमियाँ बताई जा रही हैं कि एग्रीकल्चर में जो कमियाँ हैं, जो किसान आत्महत्या करते हैं उसके रीजंस क्या हैं, ये यहाँ पर सारे बताए जा रहे हैं। एंड मिनिमम परचेज प्राइस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो प्राइस पे खरीदती है, गवर्नमेंट जो किसानों का अनाज खरीदती है जिसको हम MSP बोलते हैं, मिनिमम सेलिंग प्राइस, वो बहुत कम रहता है और कभी कभी तो गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं हो पाता है, किसानों को फ़ायदा नहीं हो पाता है तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं। मिनिमम परचेज प्राइसेज ऑफ द गवर्नमेंट डू नॉट इन रियली रीच द पुअरेस्ट फार्मर। Added to this, the cost of agricultural inputs have been steadily rising over the years. Farmer margins of profit have been. 11th में क्या आएगा, 11th में हम देखते हैं क्या है, फार्मर्स का मार्जिन। देखिए, कॉस्ट जब बढ़ रही है, जब एग्रीकल्चर की कॉस्ट बढ़ रही है तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन जो होगा वो कम होगा। तो इसलिए इसमें आप लिख सकते हैं 11 में कि नैरोइंग बिकॉज ऑफ द प्राइस, डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द प्राइस भी हो सकता है, नैरोइंग बिकॉज ऑफ द प्राइस भी हो सकता है। तो 11 में आएगा सी ऑप्शन, दैट इज नैरोइंग बिकॉज ऑफ द प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लोज टेस्ट को करना होता है। मुझे उम्मीद है इससे आपको हेल्प मिली होगी इस क्लोज टेस्ट से, और ये सभी SSC के स्टूडेंट्स के लिए और बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो क्लास के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वहाँ आप जरूर जाएँ और देखें, वहाँ पर काफ़ी सारे PDFs, काफ़ी सारी ई-बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। और यदि आप हमारा ई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस चैनल को आप इंग्लिश की तैयारी के लिए ज़रूर ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में पता पड़े और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन एजुकेशन लेके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन, बाय एंड हैव एन ऑसम डे। Thank you.